हाँ देखो, ये बीएससी सेकेंड ईयर में एक चैप्टर है एसिड्स एंड बेसेस, अम्ल एवं क्षारक। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस, अम्ल क्या है और क्षारक क्या है। तो देखिए, अम्ल और क्षारक के बारे में कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है। जैसे उसमें एक वैज्ञानिक है आर्हेनियस, आर्हेनियस ने सिद्धांत दिया, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने सिद्धांत दिया, लुईस ने सिद्धांत दिया, लक्स फ्लड सिद्धांत है, यूसानोविच सिद्धांत है, और भी कई सिद्धांत हैं। हम आज मुख्य रूप से पहले तीन सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। उसमें पहला सिद्धांत जो आता है यह है आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस थ्योरी, इसको अंग्रेजी में कहेंगे आर्हेनियस थ्योरी। तो देखिए, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन आर डिजॉल्विंग इन वाटर। अब देखिए, जैसे HCl फॉर एग्जाम्पल लें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यदि हम इसको जल में डाल दें इन वाटर, तो HCl का आयोनाइजेशन हो जाएगा, ये धन आयन और ऋण आयन में टूट जाएगा और ये बनेगा H प्लस और Cl माइनस। तो यहां हम देख रहे हैं कि HCl जो है पानी में डालने पर H प्लस दे रहा है, तो हम कहेंगे कि HCl है अम्ल, HCl इज एसिड, ये एसिड है। इसी प्रकार यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें, इसको यदि जल में डालें इन वाटर, तो ये भी टूट करके हाइड्रोजन आयन देगा और सल्फेट आयन देगा, इसका भी आयनन हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड यह भी एक अम्ल है, एसिड है। इसी प्रकार यदि हम एस्टिक एसिड ले लें, CH3COOH, यदि हम इसको भी जल में डाल दें तो ये टूट करके CH3COO- प्लस H प्लस देगा, ये है एसीटेट आयन, ये है हाइड्रोजन आयन। तो एस्टिक अम्ल जो है ये भी एसिड है। यानी आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब आर्हेनियस का ही सिद्धांत कहता है कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर OH आयन देते हैं। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोल दें, पानी में घोल दें, तो इसका आयनन होगा,
ये एन ए प्लस बनेगा और ओ एच माइनस बनेगा। तो एन ए ओ एच माइनस दे रहा है पानी में डालने पर, तो कहेंगे एन ए ओ एच एक क्षारक है, एन ए ओ एच एक बेस है। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, इसको जल में डाल दें, इसका आयोनाइजेशन होगा, पोटेशियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन। तो KOH यह भी क्षारक है, यह भी बेस है। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार दो सबस्टेंसेज विच प्रोड्यूस OH आयन व्हेन डिजॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड बेसिस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दो सबस्टेंसेज विच प्रोड्यूस OH आयन व्हेन डिजॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड बेसिस। और अम्ल के लिए क्या है, दो सबस्टेंसेज विच प्रोड्यूस OH आयन व्हेन डिजॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड एसिड्स। तो ये था आर्हेनियस का सिद्धांत। अब हम दूसरे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड और लौरी का सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड एवं लौरी का सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड एवं लौरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, जैसे HCl। HCl टूट करके H आयन देगा, Cl आयन देगा। तो ये H आयन जो है इसको प्रोटॉन भी कहा जाता है, प्रोटॉन। तो ब्रॉन्स्टेड और लौरी के अनुसार HCl अम्ल है क्योंकि यह प्रोटॉन दे रहा है। प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लौरी थ्योरी प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड। सो HCl इज एसिड। अब देखिए, अब NH3 ले लें, ये प्रोटॉन को लेता है और प्रोटॉन लेकर के अमोनियम आयन बनाता है। यहां मैं देख रहा हूं कि अमोनिया जो है ये प्रोटॉन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्षारक है। ब्रॉन्स्टेड एवं लौरी के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात जो प्रोटॉन लेते हैं। इस अभिक्रिया में मैं देख रहा हूं कि अमोनिया जो है वो प्रोटॉन ले रहा है और ले करके अमोनियम आयन बना रहा है, तो हम कहेंगे अमोनिया जो है वो क्षारक है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लौरी थ्योरी प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। इन दिस एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एक्सेप्ट प्रोटॉन, सो अमोनिया मॉलिक्यूल इज बेस। अब इस सिद्धांत में यह भी बताया गया है कि प्रत्येक अम्ल का एक संयुग्मी क्षारक होता है और प्रत्येक क्षारक का एक संयुग्मी अम्ल होता है। जैसे HCl अम्ल है, इसका संयुग्मी क्षारक Cl- है, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस ऑफ HCl इज Cl-। अब अमोनिया देखिए, यहां बेस है, क्षारक है, इसका संयुग्मी अम्ल अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन इज कंजुगेट एसिड ऑफ NH3।
किसी भी अम्ल का संयुग्मी क्षारक यदि मालूम करना है तो अम्ल में से यश आयन निकाल दो, अम्ल में से यश आयन निकाल दो। जैसे यश सीएल में यश आयन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? सीएल माइनस। तो सीएल माइनस क्या है? संयुग्मी क्षारक है, कंजुगेट बेस है। किसका? यश सीएल का। यश सीएल का संयुग्मी क्षारक सीएल माइनस है। और किसी भी क्षारक का यदि संयुग्मी अम्ल निकालना हो, ज्ञात करना हो, तो क्षारक में यश प्लस जोड़ दो। अब अमोनिया में यश प्लस जोड़ दिया तो अमोनियम आयन बन गया, तो इस अमोनियम आयन को कहेंगे संयुग्मी अम्ल, कंजुगेट एसिड। किसका? अमोनिया का। अमोनिया का, अमोनिया चूंकि क्षारक है तो इसका ये अमोनियम आयन क्या है? संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंजुगेट एसिड। अब देखिए यह सीएल अम्ल है तो सीएल माइनस को कहेंगे संयुग्मी क्षारक, कंजुगेट बेस। ध्यान दीजिए, प्रत्येक अम्ल का एक संयुग्मी क्षारक होता है, प्रत्येक क्षारक का एक संयुग्मी अम्ल होता है। किसी भी अम्ल का संयुग्मी क्षारक प्राप्त कैसे होगा? अम्ल में से यश प्लस को निकाल दो। जैसे यश सीएल है, यश सीएल में यश प्लस को निकाल दो तो बचा सीएल माइनस, तो सीएल माइनस को कहेंगे संयुग्मी क्षारक। किसका? यश सीएल का। यश सीएल का संयुग्मी क्षारक सीएल माइनस। अब किसी भी क्षारक का संयुग्मी अम्ल निकालना हो तो क्षारक में यश प्लस जोड़ दो। जैसे अमोनिया क्षारक है, इसमें यश प्लस जोड़ दिया तो अमोनियम आयन बन गया। अमोनियम आयन क्या है? संयुग्मी अम्ल है। किसका? अमोनिया का। अमोनिया का संयुग्मी अम्ल अमोनियम आयन है। यह सीएल का संयुग्मी क्षारक सीएल माइनस है। संयुग्मी को अंग्रेजी में कंजुगेट कहते हैं, कंजुगेट, कंजुगेट। तो कंजुगेट माने संयुग्मी। ये था ब्रांस्टेड एवं लौरी का सिद्धांत। अब हम बताएंगे एक तीसरा सिद्धांत जो कि बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लुईस का सिद्धांत। लुईस का सिद्धांत, कुछ लोग इसको लेविस का सिद्धांत भी कहते हैं। लुईस थ्योरी का थ्योरी कहती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं, और क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। अब देखिए, जितने भी धनायन हैं, जितने भी धनायन हैं, ये सभी सभी लुईस अम्ल है। समस्त धनायन लुईस अम्ल है, समस्त ऋणायन लुईस क्षारक है। अब देखो जैसे बी एफ थ्री ये लुईस एसिड है, इसमें बोरान के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। देखिए कैसे, जैसे बी एफ थ्री का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस प्रकार बनेगा यफ यफ सिंगल बॉन्ड यफ। तुम जानते हो प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रत्येक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन बोरान का है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखो, यहाँ बोरान के संयोजी कोष में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है।
तो अष्टक नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू आ स्टेट रूल बोरान को अभी दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसलिए बोरान क्या चाहेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेना, दो इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन युग्म लेना चाहेगा, तो हम कहेंगे कि BF3 जो है ये लिविस एसिड है, लिविस एसिड या अम्ल है। अभी मैंने बताया कि लिविस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं, जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसलिए BF3 लिविस अम्ल है। फिर मैंने बताया समस्त धनायन लिविस अम्ल है, और इस सिद्धांत के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, तो जितने भी ऋणायन हैं, निगेटिव आयन हैं, जितने भी निगेटिव आयन हैं, समस्त ऋणायन लिविस क्षारक हैं, ये सभी लिविस क्षारक हैं। और उदासीन अणुओं में लें NH3 जो है ये भी लिविस क्षारक है, वो कैसे, यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, यन सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, और इस यन के पास एक यहां पर ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको LP कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन के संयोजी कोष में आप देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन परमाणु है ये क्या चाहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, इसलिए हम अमोनिया को कहेंगे कि अमोनिया क्या है, कहेंगे लिविस क्षारक है, लिविस बेस है। इसी प्रकार यदि हम वाटर ले लें, पानी ले लें, पानी का सूत्र H2O है, इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं HOH, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 LP होता है, ये 2 LP, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, LP लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पानी का ये जो ऑक्सीजन एटम है ये भी क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देना चाहता है, इसलिए ये पानी भी क्या है, लिविस बेस है, ये भी लिविस बेस है। समस्त ऋणायन, भाई ऋणायन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन युग्म देना चाहेंगे, समस्त ऋणायन ऑल एनायंस और लिविस बेसेस, ऑल कैटायंस, कैटायंस मीन धनायन, ऑल कैटायंस और लिविस एसिड। अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड लिविस एसिड, एंड दो सब्सटेंसेस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड लिविस बेसिस। अभी मैंने एसिड और बेस के बारे में तीन सिद्धांत का चर्चा किया, आर्हेनियस का सिद्धांत, ब्रॉन्स्टेड एवं लोरी का सिद्धांत और लिविस का सिद्धांत। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में डालने पर H+ आयन देते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो पानी में डालने पर OH- आयन देते हैं। ब्रॉन्स्टेड एवं लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन लेते हैं। लिविस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं,
और क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म